ओम नमस्ते भाई दोस्तों, आज हम बात करते हैं महाशिवरात्रि विशेष राशिफल। दोस्तों महाशिवरात्रि पर छह राशियां होंगी करोड़पति, तो छह राशियां होंगी कंगाल, बन रहा है दुर्लभ संयोग। तो दोस्तों कमेंट में हमें ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा, महादेव जी सब विपत्ति टालेंगे आपकी। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं, पहली खुश नसीब राशि है मेष राशि। महाशिवरात्रि पर बने शुभ योग का मेष राशि के लोगों को विशेष लाभ होने की उम्मीद है। आपको करियर से जुड़े मामलों में सफलता प्राप्त होगी। आज जो कुछ भी आप हासिल करने के लिए इन दिनों प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको लाभ होगा। दोस्तों दूसरी खुश नसीब राशि है वृषभ। वृषभ राशि के जातकों के शिव कृपा से भी सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं जो काफ़ी समय से रुके पड़े थे। यदि आप काफ़ी समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो वह भी आपका कार्य सफल हो जाएगा। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं, अगली खुश नसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए इस बार महाशिवरात्रि बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। करियर से संबंधित आपकी समस्याएं दूर होंगी और आर्थिक मामलों में आपको लाभ भी होगा। दोस्तों अगली खुश नसीब राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए महाशिवरात्रि का यह पर्व में खुशियां देने वाला मनाया जा रहा है। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे और जीविका से जुड़े हर कार्य में सफलता होगी। दोस्तों अगली खुश नसीब राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को करियर में भगवान शिव की कृपा से बहुत ही बेहतरीन अवसर मिलने वाले हैं और करियर के साथ ही आपको परिवार में चल रही समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। काफ़ी दिनों से चल रही आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। दोस्तों अब आती है आपकी अगली राशि मिथुन। मिथुन राशि के जातकों के लिए कार्य के प्रति उत्साह रहेगा, धर्म कर्म के प्रति रुझना बढ़ेगा, माता का सहयोग मिलेगा, माता से धन प्राप्ति के योग हो सकते हैं। दोस्तों अगली राशि आई है आपकी कर्क राशि। कारोबार के विस्तार की योजना साकार होगी, भाइयों का सहयोग मिलेगा लेकिन परिश्रम की अधिकता रहेगी। दोस्तों अगली राशि है वृश्चिक, जो कि बहुत ही अनहोनी होने वाली है इस वृश्चिक राशि में। इससे बचने के लिए आप शिव जी को बेलपत्र जरूर समर्पित करें। दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों और राशि के जातक भी शिव जी को बेलपत्र और एक लोटा जल समर्पित जरूर करें, महादेव की कृपा से सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों और इसी तरह की रोजाना एक से बढ़कर एक नई नई जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ऐसा ही भक्ति अड्डा।